जो चीजें हम लोग पढ़े हैं अभी तक के लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग, तो जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था, जो योगिता ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपका जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो कैसे डिग्रेड करता है, हम लोग ये तो देख चुके थे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या करता है कि वो डीएनए को क्लीव कर देता है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। लेकिन हमने ये हम लोग जब पहली क्लास जब अटेंड किए थे इसकी, जब पढ़े थे पहली क्लास में, तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि एंडोन्यूक्लियस उसको फर्दर डिग्रेड करता है और, ठीक है, और उसे कोशिश करता है डिग्रेड करने की। एक सेकेंड, कोई अटेंडेंस लिंक सेंड कर दो वंदना को। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि एंडोन्यूक्लियस कैसे डिग्रेड करता है उसे। एंडोन्यूक्लियस डिग्रेड करेगा उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लिक पूरा नष्ट करके, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्या करेगा वो पूरा अच्छे तरीके से उसे डिग्रेड करेगा, नष्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है वो अब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में है, ठीक है। लेकिन इनमें उपस्थित जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, अगर हम उनको ब्रेक कर दें, उनको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो फॉरेन डीएनए है जो आके अटैक कर रहा है वो क्या होगा, पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, ताकि वो हमारे अंदर मतलब होस्ट के अंदर एंटर ही ना कर पाए। और होस्ट के अंदर अगर एंटर करे भी, अगर देखो जाहिर सी बात है कभी भी वो आपका जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में भी कभी भी कोई भी एंटीजन, मतलब कभी भी सर्दी खांसी होती तो बॉडी पहले खुद भी आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है आपकी बॉडी का, वो पहले खुद लड़ता है। तो जब तक वो बॉडी में घुसता की कोशिश करता है कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया, जैसे सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्शन होती है, कोरोना वायरस भी एक वायरल इन्फेक्शन है। हमारी बॉडी का एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि पहले तो वो रोकता है कि अंदर ही ना आए वो चीज, ठीक है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन अंदर आ गया तब उसे लड़ने के लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाता है। पहले तो मैं एक बॉडी का एग्जांपल दे रही हूँ, फिर मैं इसका बताऊंगी, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ आएगा। हमारी बॉडी में जब कभी भी कोई भी इन्फेक्शन प्रवेश करने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं हमें, जैसे कि अगर आंखों के जरिए कोई एंटर करता है तो पलक के जो बाल होते हैं आपके, पलक के जो हेयर्स होते हैं, आई लैशेस आप लोगों के, ये आप लोगों के ये बहुत प्रोटेक्ट करते हैं उसे एंटर ना करने देने के लिए। आपके माउथ में जो सलाइवा पाया जाता है, सलाइवा में भी कई ऐसी एंटीबॉडीज और कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रोकते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में जो हेयर्स पाए जाते हैं वो भी रोकते हैं आपके किसी भी इन्फेक्शन को अंदर आने से। लेकिन फिर भी इन सब ये फिजिकल बैरियर है, इनको क्रॉस करके अगर फिर भी कोई इन्फेक्शन अंदर आ गया, जैसे कि कोरोना वायरस ही अंदर आ गया, तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले उसे लड़ने की कोशिश करती है। लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी बनाती है ताकि एंटीबॉडी उससे लड़े। उसी प्रकार ये जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर ये जो फॉरेन डीएनए ये प्रवेश करना चाह रहा है, ठीक है, तो इसे तो पहले वो क्या करेगा कि वो पहले रोकेगा जितना हो सके। लेकिन अगर वो नहीं रुका, अगर वो अंदर आ गया, अंदर प्रवेश कर लिया, तो इसे लड़ने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, पहले इसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसे डीएनए फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे। उसके बाद जो बाकी का एक एक्स्ट्रा काम है, जो आगे का काम है, वो एंडोन्यूक्लियस करेगा। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, इसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को नष्ट करता है। हमें इसे नष्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि, और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एंडोन्यूक्लियस इसे नष्ट करते करते इसका जो खुद का डीएनए है उसे भी नष्ट कर ले। तो इन दोनों में डिफरेंस पता होना जरूरी होता है, और इन दोनों में डिफरेंस जानने के लिए जो डीएनए है, जो आपका एंडोन्यूक्लियस है, वो अच्छे से रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ये बाहर का डीएनए है, ये मुझे इसे ही मारना है। ऐसा नहीं कि वो उस चक्कर में अपने खुद के डीएनए को वो किल कर डाले, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, आइदर स्पेसिफिक साइट्स पे, तो पहले तो छोटे छोटे कट लग चुके हैं जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं। आगे का काम जो है वो कौन करता है, आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा कि सेम बेस पेयर्स रहते हैं, जबकि ये वाला डीएनए भी सेम जैसा है, सेम बेस पेयर्स है, इसके पास भी जो डीएनए वो भी सेम बेस पेयर्स है, तो मेथिल ग्रुप ऐड किया जाता है, मेथाइलेशन किया जाता है। मेथिल ग्रुप ऐड होने से क्या होता है कि वो फर्क समझ पाता है कि कौन सा वाला जो आपका डीएनए है, वो जो डीएनए जिसे किल करना है, वो पहचान सके कि कौन सा डीएनए है जिसे मुझे किल करना है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा,
कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए जो है मेथाइलेशन की प्रोसेस एक होती है, मेथिल ग्रुप्स को ऐड किया जाता है ताकि खुद के डीएनए को ना मार सकें। तो खुद के डीएनए में वो क्या करते हैं, मेथिल ग्रुप ऐड होता है, मेथिल ग्रुप ऐड हो गया तो उसे पता रहेगा कि हाँ एक चिन्ह बन गया, मेथिल ग्रुप इसमें एडेड है, मतलब ये मेरा डीएनए है, दूसरे डीएनए को मुझे किल करना है, तो मेथाइल ग्रुप इज एडेड, ठीक है, ताकि वो खुद का डिस्ट्रक्शन मत कर सके, खुद के डीएनए का डिस्ट्रक्शन मत कर सके। यहाँ तक मैंने कल बताया था, और इसके बारे में हिस्ट्री मैंने बताया था कि सेल्वेटोर लूरिया एंड मैरी ह्यूमन ने 1952 एंड 1953 में इस चीज को सबसे पहले नोटिस किया था, बैक्टीरियोफेज में डिस्कवर किया था, बैक्टीरियोफेज में देखा इन्होंने कि कुछ आपके जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज के साथ ये बैक्टीरियोफेज अगर ग्रो हो रहे हैं और वो मॉडिफाइड होकर जब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो जो दूसरा बैक्टीरिया, जैसे कि मान लीजिए ये आपका बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर एक ऐसा वायरस है या फिर इन्फेक्शन है जो घर कर लिया है, ये पूरा आपका बैक्टीरियम बन गया जो बैक्टीरियोफेज कहला रहा है, ठीक है। ये जो बैक्टीरियोफेज है, इस ये क्या करेगा, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा उसको इन्फेक्शन देने के लिए। तो इस चीज को किन्होंने नोटिस किया, जो लूरिया एंड ह्यूमन जो 1952 एंड 1953 में जो नोटिस किया इन्होंने, ये नोटिस किया कि ये जो बैक्टीरियोफेज है वो अन्य बैक्टीरियम के साथ, इन्फेक्टेड बैक्टीरियम के साथ ग्रो करता है और अपने आप को अच्छा स्ट्रांग बना लेता है इन्फेक्शन के रूप से, कि बहुत अच्छा इन्फेक्शन आ गया है मेरे में, अब मैं किसी को भी जाके इन्फेक्ट कर सकता हूँ। जैसे एक कोरोना वायरस का पेशेंट जो है बोला जाता है कि 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसी प्रकार ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जाएगा इस बैक्टीरिया के पास, इस बैक्टीरिया के पास जैसे ही जाने लगता है वो, तो ये नोटिस किया गया इन दोनों साइंटिस्टों के द्वारा कि ये जो बैक्टीरिया है इसके पास कुछ तो ऐसा है जो उसे प्रवेश करने नहीं देता है वो, तो ऐसा क्या है, उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया, जाना, और उसे उन्होंने नाम दिया रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये आप लोगों का हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था। अब अगर ये तो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ होस्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम की, तो वो क्या चीज है अगर बात की जाए, तो द रिस्ट्रिक्टिव होस्ट मस्ट ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट इट्स ओन डीएनए फ्रॉम द पोटेंशियली लीथल इफेक्ट्स ऑफ द एंडोन्यूक्लिएसिस एंड सो इट्स डीएनए मस्ट बी एप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड। आपका जो ये होस्ट है जिसके अंदर आपका जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए, वो प्रवेश करना चाह रहा है, ठीक है, ये आपका होस्ट है, होस्ट बैक्टीरिया, और ये आपका दूसरा डीएनए है, फॉरेन डीएनए, जो इसके अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर वो प्रवेश करना चाह रहे हैं तो इस होस्ट के अंदर ही एक रिस्ट्रिक्टिव होस्ट जो है, ये एक ऐसा होस्ट बनेगा कि वो अपने खुद को, अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर सके, अपने खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि अगर ये डीएनए अंदर चले गया तो इसके पास जो खुद का डीएनए है उसे, उसके साथ वो मिल जाएगा और इसके कार्य को क्या करेगा, वो रोकेगा। तो ये जो हमारा होस्ट है वो क्या करता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा अपने आप को बिल्ट अप करता है, अपने आप को इतना पोटेंशियल अपने में क्रिएट करता है, अपने आप को इतना सक्षम बनाता है कि वो बाकी जो दूसरा डीएनए है इसको, इसके इफेक्ट को रोक सके, ठीक है, ताकि क्या हो, ये जो डीएनए है ये अंदर आए भी तो वो उसे नष्ट कर सके। तो इसके लिए ये जो हमारा होस्ट होता है ये क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है, और उनके अपने आप को मॉडिफाई करने के उपरांत ही ये रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो है ना ये डेवलप होता है उनमें, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व्स मिथाइलेशन ऑफ सर्टेन बेसिस एस एट अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीक्वेंसेस विद डीएनए। और जब मॉडिफिकेशन होता है, कब, जब कि अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है वो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कि जब कभी भी पहले के जमाने में तो क्या होता था कि राज्य बटे हुए थे, ये राजा वो राजा करके, अशोका है तो कलिंगा का राज है, तो मुगलों ने अलग राज किया है, तो ऐसे करके अलग अलग जो राजा महाराजा रहते थे, जब उनको पता चलता था कि हम पे अटैक होने वाला, तो अपनी सेना को वो तैयार करते थे, अपने आप को प्रिपेयर करते थे, प्रैक्टिस करते थे लड़ाई करने की, वॉर में। तो उसी प्रकार ये जो होस्ट है हमारा, उसे भी पता है कि कभी ना कभी कोई अटैक कर सकता है या कुछ
चाहे वो डीएनए के रूप में हो, चाहे वो किसी वायरस के रूप में, वायरस के अंदर भी तो अपना खुद का डीएनए रहेगा जो मेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है। अब ये जो है बैक्टीरियोफेजी तो रहता है यूजुअली जो अंदर जाता है, अगर बैक्टीरिया के अंदर वायरस रहता है, कई बार उस वायरस जो है अंदर जाने के लिए बैक्टीरिया का सहारा लेता है, इसलिए वो बैक्टीरियोफेज के रूप में जाएगा। या तो फिर आपका रिस्ट्रिक्शन जो आपको आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, इंसान लोग क्या करते हैं वही जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका बैक्टीरिया है जो होस्ट होता है वो क्या करता है अपने आप को काबिल बनाता है, उसके अपने आप को मॉडिफाई करता है। तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन में क्या होता है ये चीज को समझना होता है। तो मॉडिफिकेशन के दम समय क्या होता है, मिथाइलेशन की प्रोसेस होती है, मिथाइलेशन की प्रोसेस में क्या हुआ, एक मेथिल ग्रुप जो है वो ऐड होगा मेथिल ग्रुप जो है ऐड होते हैं, मिथाइलेशन की जो प्रोसेस होती है, तो मिथाइलेशन जब मिथाइलेशन की प्रक्रिया जब चलते रहती है तो उस समय क्या होता है कि कुछ सर्टेन बेसिस जो हैं जो लिमिटेड नंबर में रहते हैं, मॉडिफिकेशन वॉज मिथाइलेशन ऑफ सर्टेन बेसिस एट अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीक्वेंस विद इन डीएनए। जब ये मिथाइलेशन की प्रोसेस होती है तो होता ये है कि जो ये जो होस्ट है आपका, होस्ट के पास भी डीएनए है, तो इसी को अगर मैं बड़ा रूप में यहाँ बनाऊं, ठीक है, ये होस्ट के अंदर के डीएनए को मैं बड़े रूप में यहाँ बना रही हूँ, ये उसका डीएनए है, इस डीएनए में भी तो बेस पेयर्स होंगे। अब ये जो डीएनए में बेस पेयर्स ए टी सी जी जो भी रहेंगे, क्या होता है जब मिथाइलेशन की प्रक्रिया चलती है तो कुछ बेस पेयर्स में यहाँ से यहाँ हो सकते हैं, ये फिर यहाँ से यहाँ सकते, या फिर एक यहाँ का बेस पेयर, एक यहाँ का बेस पेयर, एक यहाँ का बेस पेयर्स। सर्टेन बेस पेयर्स में क्या होता है, मिथाइलेशन होता है, मिथाइलेशन मतलब उन बेस पेयर्स के साथ जो है एक जो है आपका मेथिल ग्रुप जो है, एक आपका मेथिल ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, कुछ बेस पेयर्स के साथ मेथिल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मिथाइलेशन की प्रक्रिया बोलेंगे, मिथाइलेशन की प्रोसेस। सर्टेन बेसिस में जो है मिथाइलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें होता क्या है कि मेथिल ग्रुप ऐड हो जाता है कुछ सर्टेन बेसिस के साथ, ठीक है, जो कि आपके होस्ट के डीएनए में उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिसके फलस्वरूप होगा क्या, फलस्वरूप होगा ये कि आपके डीएनए को एक पहचान मिल गई। अब जब वो अटैक करने की कोशिश करेगा दूसरे डीएनए को तो वो पहचान भी पाएगा और उसे अच्छे से नष्ट भी कर पाएगा, तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है। तो ये होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसमें एक ये वर्ड है मॉडिफिकेशन, इसमें एक ये वर्ड है कंट्रोल्ड, इससे समझिए आप लोग कि होस्ट का अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन कर रहा है वो, ठीक है, उस प्रक्रिया को, उस पूरे सिनेरियो को, उस पूरे फिनोमिना को हम बोल रहे हैं होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसमें होस्ट ने अपने आप को मॉडिफाई किया और रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम चालू हुआ, जिससे जिसकी वजह से अगर कोई भी बाहर का डीएनए अगर अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो वो उसे नष्ट करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये फिनोमिना जो है ये आपका कहलाता है होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के यूजुअली जो है आपके चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उन्हें देखते हैं हम लोग। देखो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम जो होता है, आरएम सिस्टम जो है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, इन्हें जो है चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यूजुअली चार कैटेगरीज के होते हैं ये। तो जो पहला है वो है आपका टाइप 1, दूसरा है टाइप 2,
तीसरा टाइप 3, चौथा टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ऐसे बोल के 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिन जिनमें सभी में आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी होगी और मेथाइलेशन की प्रक्रिया भी होगी, ठीक है। बस जो आपका टाइप 4 जो है, ये जो टाइप 4 है आपका, इस टाइप 4 में क्या होता है, मेथाइलेस एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है। हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूर रहेगा, लेकिन इसमें लैक ऑफ मेथाइलेशन एक्टिविटी, मतलब ये मेथाइलेशन की प्रक्रिया इनमें टाइप 4 में नहीं होती है, ठीक है। दे वर नेम्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी ऑल्दो द टाइप 2 सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन। इन्हें इनका जो नाम दिया गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनको ऐसा नाम देने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इनका डिस्कवरी कब कब हुआ, कब कब हमने जाना, कब कब इसके बारे में समझा, उसके अनुसार जो है इन्हें जो अलग अलग टाइप्स जो है नाम दिए गए। टाइप 1 सबसे पहले पता चला, टाइप 2 उसके बाद पता चला, ऐसे कर करके 4 कैटेगरीज हमने डिवाइड की है, जिनमें जो चारों में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रहेगा ले और मेथाइलेशन की प्रोसेस होगी। सिर्फ चौथे नंबर में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो रहेगा, लेकिन इसमें आपका मेथाइलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 1, टाइप 1 सिस्टम को। टाइप 1 सिस्टम, अब टाइप 1 सिस्टम जो है आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स, रिस्ट्रिक्शन, मॉडिफिकेशन एंड स्पेसिफिसिटी। इसमें टाइप 1 सिस्टम को ऐसे बोला जाता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स रहते हैं, मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स होना मतलब थोड़े से उलझाने वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो एकदम डिफिकल्ट होना, दैट मीन्स, ठीक है। इनके इसके लिए हिंदी वर्ड प्रॉपरली नहीं पता मुझे, लेकिन कॉम्प्लेक्स मतलब भी कॉमन वर्ड है, आप सब समझते होंगे। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है जिनमें जो है 3 पॉलीपेप्टाइड्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, 3 पॉलीपेप्टाइड्स में क्या है आपका, एक R, एक M और एक S। R का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन आपका एंजाइम तो रहेगा ही रहेगा। M का मतलब होता है आपका मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन हमने अभी बताया कि मॉडिफिकेशन में होता क्या है, और S का मतलब होता है आपका स्पेसिफिसिटी, ठीक है। द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स कैन बोथ क्लीव एंड मेथिलेट डीएनए। अब इन तीनों के परिणाम स्वरूप, रिस्ट्रिक्शन, मॉडिफिकेशन और स्पेसिफिसिटी, इन तीनों के परिणाम स्वरूप होता ये है कि ये क्या करते हैं, इन तीनों से मिलकर जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारा, या फिर इन तीनों के फल स्वरूप जो है होता ये है कि आपका जो फॉरेन डीएनए है जो इन पे अटैक करने की कोशिश करता है, जब आता है तो ये क्या करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझते हैं। ये जो तीनों पॉलीपेप्टाइड में RMS, रिस्ट्रिक्शन, मॉडिफिकेशन और स्पेसिफिसिटी, इसके रहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जब तीनों के फलस्वरूप जो कॉम्प्लेक्स बनता है, तीनों के परिणाम स्वरूप जो कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये क्या करते हैं, डीएनए को क्लीव करने भी सक्षमता रखते हैं और मेथिलेट करने की सक्षमता भी डेवलप कर लेते हैं। मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो आने वाले डीएनए को क्या करता है, क्लीव भी कर सकता है, मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकता है, और उन्हें क्या कर सकता है, मेथिलेट भी कर सकता है, मतलब उनमें मेथिल ग्रुप को ऐड भी कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें डेवलप कर लिया किसने, आरएमएस सिस्टम ने। आरएमएस सिस्टम रिस्ट्रिक्शन, मॉडिफिकेशन और स्पेसिफिसिटी, ये तीनों मिलकर इस काम को करेंगे कि ये डीनो को क्लीव भी कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं, और साथ ही साथ ये मेथिलेट भी कर सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये मेथिलेट करना और डीएनए को क्लीव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं कि
कि अगर हमको सामने वाले डीएनए को कमजोर बनाना है, उसे हम पे अटैक करने से रोकना है, तो हमें उसे पहले तोड़ना होगा, मतलब क्लीव करना होगा, उसके बाद हम उसे मेथिलेट करेंगे ताकि हम अपने डीएनए और उस डीएनए में जो है कंफ्यूजन रहता है उसे हम लोग समझ सकें। ठीक है, बोथ रिएक्शंस रिक्वायर एटीपी एंड क्लीवेज ऑफन आकर्स अ कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। अब ये जब ये कार्य करते हैं तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और क्या मुझे कोई बताएगा कि एनर्जी अगर ह्यूमन बॉडी में हो या नॉर्मली बैक्टीरिया के बॉडी में हो या वायरस की बॉडी में हो तो एनर्जी किस रूप में रहती है? किसी को मालूम है एनर्जी किस रूप में रहती है? एनर्जी रहती है एटीपी के रूप में, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में एनर्जी रहती है जिसमें तीन फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर जब आप काम कर लेते हैं बहुत ज्यादा, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका एटीपी से वो एडीपी हो जाता है, दो फॉस्फेट हो जाते हैं। फिर और काम कर लेते हैं, एनर्जी और डाउन होती है, तो एटीपी से एडीपी हुआ था, डाइफॉस्फेट से वो मोनोफॉस्फेट एम फॉस्फेट हो जाता है, जिसमें एक ही अणु बचता है। और ये वो स्थिति रहती है जब आप थक जाते हैं, आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती और आप खाना खाते हैं, बूस्ट अप होते हैं, तो आपको फिर से एकदम से एटीपी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल नॉलेज था। तो ये जो कार्य करते हैं ये कौन? टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने ये बताया कि इसमें तीन पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। तीनों पॉलीपेप्टाइड्स में आपका एक होता है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन स्पेसिफिसिटी, और एक होता है रिस्ट्रिक्शन जो एम सॉरी आर, फिर एम से मॉडिफिकेशन, एस से स्पेसिफिसिटी, और आपका जो है ये तीनों मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या फिर ये तीनों जो कार्य करते हैं एकजुट होकर, उसका जो एजेंडा रहता है, जो मोटिव रहता है, वो ये रहता है कि फॉरेन डीएनए को उन्हें क्लीव करना है और मेथिलेट करना है। लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें क्या किस चीज की आवश्यकता है? इस कार्य के लिए आवश्यकता उन्हें एटीपी की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों रिएक्शन के लिए, चाहे वो खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट करने को लेकर हो या सामने वाले डीएनए को नष्ट करना हो, ये दोनों चीजों में जरूरी है कि उसके पास एनर्जी हो भरपूर। अगर आप, जाहिर सी बात है, आप घर पे भी अगर आप सो के उठ भी रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको एनर्जी चाहिए, और अगर आप काम कर रहे हैं अच्छे से तो भी आपको एनर्जी की आवश्यकता है। तो इसमें दोनों रिएक्शंस के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरे को नष्ट करने के लिए, दोनों के लिए इसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ क्लीवेज की अगर बात की जाए, जब डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में हम डीएनए को तोड़ते हैं, जो फॉरेन डीएनए जो रहता है उसे जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, उस समय क्या होता है हम कि एक चीज का और ध्यान रखना रहता है, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग से बताया था कि जो डीएनए है फॉरेन डीएनए, इसे तोड़ने के लिए लोकेशन डिसाइड होती है, स्पेसिफिक लोकेशन पे ही, क्योंकि कट मार्क लगता है। ठीक है, तो एक कंसिडरेबल डिस्टेंस होता है रिकॉग्निशन साइट के लिए, तो उसी उसी साइट पे ही वो कट मार्क लगाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए को तोड़ते हैं। इस चीज का भी खास ध्यान रखा जाता है प्रोसेस के दौरान। एक तो एटीपी का होना जरूरी है एनर्जी का, दूसरा इस चीज का समझ होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें उस डीएनए को काटना है। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखा जाता है। देन उसके बाद क्या होता है कि द एस सबमिट डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ बोथ रिएक्शंस एंड मेथिलेशन। अब यहाँ जो वर्ड है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी का वर्ड का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है विशिष्टता। ठीक है, विशिष्टता मतलब जो विशिष्ट है उसमें, मतलब स्पेसिफिक चीजों को लेकर स्पेसिफिक है कि हाँ यही करना है मुझे, यही चीज है। जैसे आप लोग, कई बार होता है कि आप लोग डिसाइड कर लिए हैं कि मुझे मैगी खाना है तो मुझे मैगी खाना है, आप बहुत स्पेसिफिक रहते हैं उसके लिए, और कुछ नहीं खाएंगे उसके अलावा। तो स्पेसिफिसिटी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो आरएम सिस्टम है उसमें, क्योंकि वो एक तरीका जो अपनाते हैं कि इसी तरीके से उस डीएनए को हमें नष्ट करना है,
वो बहुत स्पेसिफिक रहते हैं उसके लिए, क्योंकि वो तरीका अपना चेंज नहीं कर सकते। अगर तरीका चेंज करेंगे तो हो सकता है सिस्टम जो है पूरा गड़बड़ हो जाए। तो इसलिए एक स्पेसिफिसिटी का होना भी, विशिष्टता का होना भी बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन तो एक एंजाइम है जो कि क्या कर दिया, कट मार्क कर रहा है। मॉडिफिकेशन क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन में मेथाइलेशन की प्रोसेस हो रही है। लेकिन स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो डीएनए है जिसे हम नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकर स्पेसिफिक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अंतर्गत स्पेसिफिसिटी में ये बताया गया है कि आपका जो एस सब यूनिट होता है, स्पेसिफिसिटी के जो सब यूनिट होते हैं, देखो रिस्ट्रिक्शन ने क्या किया, ये एक एंजाइम है जिसने डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में लोकेशन पर पर्टिकुलरली कट कर दिया और फ्रेगमेंट्स डीएनए के तैयार हो गए। और मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि मेथाइलेशन की प्रोसेस होती है, मेथिल ग्रुप ऐड होता है। अब ये जो एस सब यूनिट है, जो इसके एस के स्पेसिफिसिटी के जो सब यूनिट होते हैं, एस सब यूनिट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ बोथ रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। ये इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ने और मॉडिफिकेशन ने दोनों ने अपना कार्य अच्छे से किया है कि नहीं। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने सही जगह पे, सही लोकेशन पे डीएनए को कट किया कि नहीं, उसकी स्पेसिफिसिटी को चेक करेंगे। ठीक है, और मॉडिफिकेशन मतलब जो मेथाइलेशन की जो प्रोसेस हुई है वो मॉडिफिकेशन वाले को भी चेक करेंगे कौन ये सब यूनिट, एस सब यूनिट जो है। स्पेसिफिसिटी चेक करता है कि मेथाइलेशन की प्रोसेस भी अच्छे से हुई है या नहीं, और रिस्ट्रिक्शन की प्रोसेस भी अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर ये दोनों प्रोसेस अच्छे से नहीं हुई है तो आगे की प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि एकदम स्पेसिफिक रहे चीजें, एकदम जो है एकदम परफेक्ट हो चीजें, उसके लिए स्पेसिफिसिटी का सही होना जरूरी है। ठीक है, और इसे चेक कौन करते हैं, एस सब यूनिट डिटरमाइन द स्पेसिफिसिटी ऑफ बोथ रिस्ट्रिक्शन एंड मेथिलेशन। क्लीवेज अकर्स एट वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, सो डिस्क्रीट ब्रांड्स आर नॉट इजीली विजुलाइज्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर क्लीवेज जो है, रिस्ट्रिक्शन ने क्लीवेज, कई बार क्या होता है क्लीवेज की, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटते हैं डीएनए, क्लीवेज होना उसे ही बोल रहे हैं हम लोग। तो क्लीवेज जब होता है तब कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल डिस्टेंस, कई बार जो है आपका ये डीएनए है, एक को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ कट लगाया तो दूसरे को यहाँ लगा दिया, तीसरे को इसने यहाँ लगा दिया, चौथे को यहाँ, तो ये डिस्टेंस है अलग अलग है ना, एक जैसा कट नहीं लगा हुआ है एक साइज में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोफोरोसिस करवाते हैं इसका जेल टैंक में, इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये आपके कॉम्ब बन गए, इलेक्ट्रोफोरोसिस कराते हैं और आपने डीएनए को इसमें लोड किया, तो जो डीएनए के बैंड से हम लोगों को वो प्रॉपर वे में अच्छे से प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग साइज के रहते हैं डीएनए, तो उन्हें इजिली हम लोग आसानी से विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कई बार रिस्ट्रिक्शन के वजह से, रिस्ट्रिक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, अलग अलग डिस्टेंस में होता है। इसलिए इसलिए स्पेसिफिसिटी का होना जरूरी है ताकि वो चेक कर सके कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना कार्य अच्छे से किया है या नहीं किया है करके। ठीक है, तो ये आपका था टाइप वन सिस्टम। टाइप वन सिस्टम में मैंने आप लोग को क्या बताया कि आप लोग का इसमें क्या हो रहा है कि तीन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एक आर रिस्ट्रिक्शन, एम मॉडिफिकेशन, एस स्पेसिफिसिटी। रिस्ट्रिक्शन क्लीव करेगा डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा, मॉडिफिकेशन में मेथाइलेशन की प्रक्रिया होती है, स्पेसिफिसिटी का मतलब वो दोनों चीजों को चेक करता है कि दोनों विशिष्टता अपनी रखें कि नहीं, कार्य को करने में दोनों ने स्पेसिफिक तरीके से अपना कार्य किया है या नहीं किया है। इस चीज का ध्यान कौन रखता है, आपका स्पेसिफिसिटी, क्योंकि ये तीनों दोनों चीजें अच्छी होंगी, इसका ध्यान वो रखेगा तभी आगे चीज आके चीजें अच्छे से होंगी। तो ये आपका था टाइप वन सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टाइप वन सिस्टम तक ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम बाकी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, टाइप जितने भी टाइप्स बचे हैं। और इसके अलावा जो है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के में फंक्शंस होते कैसे हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे। ये पूरे टॉपिक में अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशंस भी डिस्कस करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा हम ये तो जान गए कि नया डीएनए को वो क्या कर सकता है, भाई आने नहीं देगा, लेकिन उसके अलावा भी कोई एप्लीकेशन है क्या, उसे भी हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा।